मैं कृष्णा मिश्रा, मतलब झारखंड में गोड्डा में मैं रहती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी पिछले वर्ष अप्रैल में, तो वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो किसी ने सजेशन किया कि वहाँ ले जाइए रविन्द्रनाथ टैगोर। वहाँ यहाँ लाया गया, मैं तो बेहोशी हालत में थी, तो बच्चे लोग ने बताया, मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ डॉक्टर पंकज शिवहरे थे, रात में उनका ड्यूटी पड़ा हुआ था संजोग से मेरी, और इमरजेंसी में वो लोग हमको लेकर के गए। और मेरी और कौशिक सुंदर भी थे, दोनों ने बहुत सारा हेल्प किया हम लोगों को, मगर मैं नहीं आती यहाँ, मेरी जान नहीं बचती। ये लोगों के कारण हमको बहुत सपोर्ट हमको बहुत मिला। घर से भी मैं बात करती हूँ तो हमेशा ये लोग ये रहते हैं बात करने के लिए, समझाने के लिए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं यहाँ आ कर के ये लोग से। डॉक्टर का तो काम ही है ट्रीटमेंट करना पेशेंट का, लेकिन मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान से और ये लोग से कि हमको इतनी बड़ी हेल्प मिली और मेरी जान बच गई। तो फिर प्लेट उधर ऑपरेशन होने के बाद में, एक साल के बाद में मेरा ये निकाला गया था हड्डी। हाँ, डॉक्टर पंकज ने हड्डी निकाला था, तो एक साल के बाद उनके ट्रीटमेंट में रही। अब बीच में आ कर के मैं अपना इनसे कॉन्टैक्ट में थी, फिर ये साल भर के बाद में फिर मेरा हड्डी ये प्लेट लगाया गया, तो मैं अभी ठीक हूँ। ये सप्ताह दिन 10 तारीख को मेरा, 12 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ और सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अगर नहीं आती यहाँ तो मेरी जान नहीं बचती। बहुत शुक्रिया मेरे भगवान को और ये डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर लोग हमारे बहुत सहयोग किए। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं तो खैर, मेरे बेटा बेटी लोग जो भी थे वो लोग बोले कि मम्मी तुम्हारे संजोग से कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं, तो कहीं भी लोग जाने के बाद में हेल्प मिल ही जाता है। तो हम लोग तो अपने खुद से ही जहाँ भी रहते हैं सपोर्टेड हैं, सपोर्टेड के कारण हम लोग लगता है कि किसी को सपोर्ट किए हैं तो आज हमको भी सपोर्ट मिला। यही है, भगवान को भी शुक्रिया, ये दोनों डॉक्टर को भी बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ। और घर में भी चर्चा, और घर में गोड्डा में भी मैं चर्चा हम लोग करते रहते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छे मिले हैं। हॉस्पिटल का तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत केयर लोग लिए हमारे साथ में, सिस्टर लोग है और डॉक्टर लोग, ये सब चीज़ का नहीं सडनली हुआ। अपने बच्चे लोग से हम बात की, रात में सोई तो मैं जग नहीं सकी सुबह, मैं तो सवेरे उठती हूँ। मेरे पति उठाए कि तुम इतना देर तक तो कभी सोती नहीं हो, तो उठो तुम, हम कुछ पता नहीं। फिर ये लोग उठाए, बगल में एक ठो डॉक्टर है आकाश का करके, मेरा बेटा उसका दोस्त है, वो उसको बुलाया गया, तो वो सजेस्ट किया कि जितना जल्द हो सको तो रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पर ले कर जाओ। वो लोग ही एडवाइस किए तो हम लोग यहाँ आए, और यहाँ पर ये लोग जो रिगार्ड्स हम लोग को किए, आज जो हम लोग सेटिस्फाइड आज हैं, आज मेरी जान जो बची है बस यही रविन्द्रनाथ टैगोर आकर के। अगर किसी को अगर ऐसी है तो आप लोग ये पंकज शिवहरे और कौशिक सुंदर के पास आ करके आप लोग अपना पता चल जाएगा कि किस ढंग का ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर किस ढंग का केयर करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पंकज है, मैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ, आर एन टेगोर हॉस्पिटल कोलकाता में। आज हम एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम कृष्णा मिश्रा है। ये झारखंड डोडा जिला से हमारे पास रेफर हुई थी, रात को 12-1 बजे के आसपास हमारे अस्पताल में आए थे, जिसमें इनका एक बड़ा सा ब्लीड हुआ था ब्रेन के अंदर। हमने यहाँ पर रिपीट सीटी स्कैन किया था और सीटी एंजियो किया था, जिसमें हमें पता चला पेशेंट में काफ़ी बड़ा ब्लीड है, वो वेंट्रिकल के अंदर एक्सटेंड हुआ था और उसके साथ साथ उनको एक एनर्जम भी था। तो रात को जो ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था, तो हमने रात को ही इनको ऑपरेट किया था, और ऑपरेशन के बाद ये वेंटिलेटर में थी। फिर अगले दिन हमारे कलीग डॉक्टर कौशिक सुंदर है, जिन्होंने एंडोवैस्कुलरली इनका जो सीटी एंजियो में हमें पता चला कि एनर्जम है, जिसको इन्होंने एंडोवैस्कुलरली ट्रीट किया था, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आस्ते आस्ते रिकवर किए। पेशेंट हमारे 10 से 15 दिन के प्रति पेशेंट डिस्चार्ज हुआ हमारे यहाँ से। हाँ, रेगुलर फॉलोअप में हमारे पास थी वो, आज एक साल बाद वो दोबारा आई हैं। जो हड्डी हमने पहली बार निकाला था, इस बार हमने वहाँ पर टाइटेनियम मेश लगाया है उनके लिए। पेशेंट एकदम तरीके हर तरीके से सही है, रिव्यू DSA हुआ था, और जो एनर्जम के कारण उनका ब्लीड हुआ था वो अब पूरी तरह का ठीक हो गया। पेशेंट एकदम अच्छा है और वो डिस्चार्ज भी हो गए और उनका सूचर्स भी आउट हो गया है।